सेकेंड ईयर का व्यक्तिगत मेरे पास मैसेज आए थे कि यूट्यूब को सर्च कर डाले हैं और रियल एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है कि आप रियल एनालिसिस ही शुरू करें। हमारा ऐसा एक सोचना था कि पहले कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिए जो चैप्टर हो या जो ब्रांच हो मैथमेटिक्स का, उसको पहले शुरू करें कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसको समझने में सुविधा हो। लेकिन आप लोगों का ऐसा डिमांड था कि नहीं, रियल एनालिसिस ही शुरू किया जाए, तो हम रियल एनालिसिस ही शुरू करने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस को समझने के लिए थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। वो सावधानी ये है कि एक तो आपको डेली का वीडियो डेली समझते जाना है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट से अगला है। तो सारे वीडियो की आप लाइब्रेरी ना बनाना कि एक बार हम उसको देखेंगे। वो जो आज दिया गया जो भी मैटर, उस मैटर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें और फिर उसी पे आधारित उसके आगे का है। तो उसके आगे का जब ये क्लियर रहेगा तो आगे की भी बात समझ में आएगी। इसलिए डेली का वर्क डेली करते जाएं और नियमित रूप से ब्रेक ना हो ऐसा आप प्रयास करें तो रियल एनालिसिस ईजी लगेगा, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि रियल एनालिसिस बहुत कठिन है तो थोड़ा सा एक दो क्लास देखेंगे, आपको लगने लगेगा नहीं कि रियल एनालिसिस भी समझने वाला है, इंटरेस्टेड है और उसको अच्छे तरह से किया जा सकता है। तो हम रियल एनालिसिस ही शुरू करने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस में पहला चैप्टर बाउंड है, तो हम बाउंड को शुरू करते हैं। बाउंड, अब बाउंड को शुरू किया जाए इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बिल्कुल न्यूमेरिकली है, मैथमेटिकली है, उसको जब आप एक बार समझेंगे तो उसी से आपको बाउंड क्या है वो समझ में आ जाएगा। आप कोई एक सेट ले लो, जैसे उस सेट को हमने डिनोट कर लिया, ये नेचुरल नंबर का सेट हमने ले लिया। कोई भी सेट ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया नेचुरल नंबर का हमने एक सेट ले लिया। तो जब नेचुरल नंबर का सेट लेंगे तो नेचुरल नंबर में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक, ये आपने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का। अब इसी नेचुरल नंबर का जो सेट लिया उसका एक आप सबसेट ले लें। इस सबसेट को हमने डिनोट कर लिया एस से, नोटेशन कोई ले सकते हैं लेकिन कोई में हमने एस को डिनोट कर लिया। तो कोई एक सेट लिया नेचुरल नंबर का और उसी का एक सबसेट हमने ले लिया जिसको डिनोट किया एस से। तो इसका सबसेट है यानी इसी के कुछ एलिमेंट इसमें लिए गए हैं। तो हमने जैसे सपोज कर लिया कि 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमने इस नेचुरल नंबर का जो सेट था उसी सेट से एक सबसेट एस ले लिया। अब आपको यहाँ थोड़ा सा एक वर्क करना है। वो वर्क क्या करना है कि जो ये नेचुरल नंबर है यानी जिसका ये सबसेट लिया गया है, तो इसमें उन एलिमेंट को चूज करना है कि जिस एलिमेंट से कुछ इसका यानी इसमें तो वन से लेकर के और इनफाइनाइट तक, उसमें ये जो एलिमेंट है यस के 4, 5, 6 से लेकर के 8 तक ये भी इसमें है, तो आपको इस सेट का यानी एन का उन एलिमेंट को कलेक्ट करना है जो एलिमेंट इस यस के किसी भी एलिमेंट से बड़ा न हो। ध्यान देंगे कि हमने जो सबसेट यस लिया है तो हमको चूज करना है ये जो सेट नेचुरल नंबर लिया गया है उसके केवल उन एलिमेंट को, जो एलिमेंट यानी यन के वे एलिमेंट जो एस के एक भी एलिमेंट से ग्रेटर न हो। तब आप देखो यदि इसका यदि 5 आप लेंगे, चूज करना है एन का, और इसके किसी एलिमेंट से ग्रेटर इसका वो एलिमेंट न हो, तो डिफिनिटली ये जो इसका सबसे छोटा एलिमेंट है 4, उस 4 के इक्वल या लेस एन के जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट ही इसके किसी एलिमेंट से ग्रेटर नहीं होंगे।
क्योंकि यदि फोर से ग्रेटर, जैसे हमने फाइव ले लिया तो फाइव इसका एलिमेंट लेंगे तो इसमें एक एलिमेंट आपको फोर आया जिससे ये ग्रेटर हो गया। यदि आप इसका सिक्स लेंगे तो हमारे फोर और फाइव दो ही एलिमेंट आए जिससे यही एलिमेंट ग्रेटर हो गया। तो हमको यन का केवल वही एलिमेंट कलेक्ट करना है जो यस के एक भी एलिमेंट से ग्रेटर न हो, लेस हो सकता है इक्वल हो सकता है। तो ऐसे एलिमेंट आपको फोर थ्री टू और वन यही मिलेंगे, क्योंकि फोर भी यदि इसका लेते हैं तो यह फोर इसका कोई एलिमेंट नहीं है जिससे ग्रेटर, क्योंकि जो फोर है वो फोर के इक्वल है। यहाँ इक्वालिटी और लेस का कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ है कि इसके एलिमेंट से ग्रेटर इसका एलिमेंट न हो। तब हमने यहाँ फोर लिया, तो यदि इसका फोर लेंगे तो इसके एक भी एलिमेंट से एक ग्रेटर नहीं होगा, इसका जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल है लेकिन इसका कोई एलिमेंट नहीं है जिससे ग्रेटर हो। थ्री लेंगे तो थ्री इसका कोई एलिमेंट नहीं है जिससे वो ग्रेटर हो, टू इसका वही एलिमेंट है जो इसके किसी एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है, तो यह वन वही एलिमेंट है जो इसके किसी एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है। यानी यन के उन एलिमेंट को कलेक्ट करना है जो एस के किसी एलिमेंट से वो लेस या इक्वल ही हो। तो ऐसा जो हमको एलिमेंट मिला वो आपको वन मिला, टू मिला, थ्री मिला और फोर मिला, यही एन के एलिमेंट हैं जो यस के किसी एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है, यानी इसके सभी एलिमेंट से लेस आर इक्वल ही हैं। तो ये जो एलिमेंट आया वन टू थ्री फोर, ये सभी एलिमेंट जो यह सेट यस है उसका लोअर बाउंड कहा जाता है, यानी लोअर बाउंड जो ये होल सेट है यानी जिसका ये सबसेट लिया गया है, इस सेट के कोई एलिमेंट जो इसके प्रत्येक एलिमेंट से लेस या इक्वल हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हो, तो वो इस सेट का लोअर बाउंड कहा जाएगा। तो हमने देखा कि यह वन है जो इसके किसी एलिमेंट से लेस या इक्वल है, इक्वल भी है तो इक्वल भी नहीं है, लेस है। यह एलिमेंट इसका कोई एलिमेंट लो उससे लेस है, थ्री है इसका कोई एलिमेंट लो उससे लेस है, और जो यह फोर है इस फोर के इक्वल है लेकिन इसके अन्य जो एलिमेंट है उससे लेस है। तो ये जो एलिमेंट हुए वो लोअर बाउंड कहलाएगा, यानी यह वन एस का लोअर बाउंड कहलाएगा, टू एस का लोअर बाउंड कहलाएगा, थ्री एस का लोअर बाउंड कहलाएगा, फोर एस का लोअर बाउंड कहलाएगा। तो यदि कोई हमारा यह सेट है और यदि इस सेट का लोअर बाउंड मिलता है तब हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है। दो चीजें हैं, एक तो लोअर बाउंड, और यदि कोई सेट है उसका लोअर बाउंड जब मिलेगा तब वो सेट बाउंडेड बिलो कहलाएगा। इस सेट का यह एलिमेंट जो इसके प्रत्येक एलिमेंट से लेस आर इक्वल हो तो वो एलिमेंट इसका वह एलिमेंट लोअर बाउंड आप यस ऐसा कहा जाएगा। लेकिन जो यह सेट यस है जो इसका सबसेट है यदि उसका लोअर बाउंड मिल रहा है तब वो हमारा ये सेट जो होगा वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। तो इसका एलिमेंट जो इसके प्रत्येक एलिमेंट के लेस आर इक्वल है वो हमारा इस सेट का लोअर बाउंड कहलाएगा, और यदि इसका लोअर बाउंड मिल रहा है तब यह सेट हमारा बाउंडेड बिलो कहलाएगा। अब फिर एक चीज और जानना है कि यदि कोई हमारा सेट जैसे यस है इसके एक से अधिक लोअर बाउंड है, तो जब कोई लोअर बाउंड हो जाए तो उसमें वो लोअर बाउंड जो सबसे बड़ा हो उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो यह आपका ये आर लोअर बाउंड लोअर बाउंड ऑफ एस, ए एस के ए एलिमेंट लोअर बाउंड है, और यदि यस का लोअर बाउंड मिल रहा है तो जो एस होगा एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, ये हमारा बाउंडेड बिलो हो गया। तो यह तो आपको एक एग्जाम्पल हमने दिया है,
अब इसको जनरल डिफिनेशन देनी होगी तो उस चीज को कैसे समझेंगे। तो हम क्या करते हैं जनरल डिफिनेशन के लिए कि हमने कोई एक सेट जैसे यह नेचुरल नंबर लिया तो केवल ये नेचुरल नंबर ही नहीं ले सकते हैं, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए देनी है। यहाँ नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है, रियल नंबर भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ कोई सेट हमारा नेचुरल से लेकर के रियल तक कोई हो सकता है। तो इसलिए अब यह केवल नेचुरल नंबर के लिए हुआ लेकिन सेट हम कोई ले सकते हैं। तो जनरल सेट हमने क्या किया कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। पहला वर्क हमने किया, डिफिनेशन को ही समझते चलो। तो यह एक्स हमने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर लिया गया तो एक सेट लिया। अब उसका हम क्या करेंगे कि इसी का एक सबसेट लेंगे और जो सबसेट लेंगे उसी का लोअर बाउंड हम सर्च करते हैं। तो अब हमारा एक्स एक जैसे यह एक सेट लिया वैसे कोई एक सेट हमने एक्स ले लिया। अब इस एक्स का जैसे यहाँ सेट लिया सबसेट लिया गया इसका कोई एक सबसेट ले लो। तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एस बी सबसेट ऑफ एक्स। एस को हमने एक्स का एक सबसेट ले लिया तो जो एस का लोअर बाउंड होता है वो एक्स का एलिमेंट होता है, यानी यह एक्स का वह एलिमेंट जो यस के प्रत्येक एलिमेंट से लेस आर इक्वल होगा वही हमारा इस यस का लोअर बाउंड कहलाएगा। तो अभी हमने क्या किया एक सेट लिया एक्स और उसका एक सबसेट ले लिया एस। अब एस का लोअर बाउंड कोई एलिमेंट कब हो जाएगा तो जैसे यस का एक 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 लोअर बाउंड हमको लेना है तो वो जो लोअर बाउंड होगा वो एक्स का एलिमेंट होगा। तो ए बिलोंग्स टू एक्स, यानी इस एक्स का यह ए जो एलिमेंट है वो लोअर बाउंड होगा। ए बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ एस इफ इट सटिस्फाई ए लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। अब इस बात को समझ लीजिए, जैसे यहाँ ये नेचुरल नंबर का सेट लिया गया था तो अब हमने जनरल डिफिनीशन देनी है तो उस सेट को हमने एक्स कह दिया है कि वो एक्स नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, रियल हो सकता है। तो यह एक्स हमने एक सेट लिया और उसी सेट का हमने एक सबसेट ले लिया एस। तो यह एस हमने एक सबसेट लिया और इस एक्स का कोई एक एलिमेंट ए इस यस का लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जबकि एक्स का जो यह एलिमेंट ए है वो एस का लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जब यह ए जो है इसमें जितने एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स से फॉर ऑल एस रहेगा ये एस, यानी एस में जितने एलिमेंट हैं उनमें जो सबसे छोटा है उसके ए इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है, यानी इसके किसी एलिमेंट से ये एलिमेंट ग्रेटर ना हो। यदि एक एलिमेंट भी इसमें मिल जाए जिससे ये ग्रेटर हो जाए तब यह एस का लोअर बाउंड नहीं कहा जाएगा। तो जो ये एग्जांपल आपने देखा है उसी से रिलेटेड फिर देखो, नेचुरल नंबर हमने एक कोई सेट लिया और उसका एक सबसेट हमने एस ले लिया तो यह जो वन है वो वन इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है जिस एलिमेंट से ये ग्रेटर हो, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट से यह लेस है तब यह एस का लोअर बाउंड कहा जाएगा। यह जो टू है वो टू इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जिससे ग्रेटर हो, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट से लेस है तब वो हमारा एस का लोअर बाउंड कहा जाएगा। और यह जो थ्री है वो थ्री भी इस यस में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे ये ग्रेटर हो, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट से लेस आर यहाँ लेस ही है इसलिए हमारा थ्री जो हुआ वो यस का लोअर बाउंड हुआ। जो फोर है
और फोर भी इस यस में जितने एलिमेंट है तो जो सबसे छोटा है उसके इक्वल है, लेकिन इसके अन्य एलिमेंट से लेस, यानी यह फोर भी इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे ग्रेटर हो, लेस है या इक्वल है, तो भी हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा। लेकिन यही देखो, इसका जब फाइव लोगे तो ये फोर ऐसा मिल गया कि इसका एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिससे यह एलिमेंट ग्रेटर हो गया, तो भी हमारा लोअर बाउंड नहीं। यानी ए एन का कोई एलिमेंट एस का लोअर बाउंड तब नहीं होगा जब हमको यस में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे वो एलिमेंट ग्रेटर हो, तब लोअर बाउंड नहीं होगा। और यदि एन जो यहाँ एक्स की जगह लिया गया उसका कोई एलिमेंट एस के प्रत्येक एलिमेंट से लेस या इक्वल ही रहे तब वो एलिमेंट जो होगा वो लोअर बाउंड होगा। तो वही चीज यहाँ डिफिनेशन में ली गई कि यह जो नेचुरल नंबर है उसको हमने सेट यक्स ले लिया और इसी यक्स का यह यस जो है वो एक सबसेट ले लिया। तो जो लोअर बाउंड होता है वो एक्स का होता है, यानी जो बड़ा वाला सेट होता है उसका ही एलिमेंट। तो यानी इस एक्स का कोई एक एलिमेंट ए इस यस का लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जब यह ए इस यस में जितने एलिमेंट हैं वो किसी एलिमेंट से ग्रेटर ना हो, यानी लेस हो या इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि यह एलिमेंट इस यस का लोअर बाउंड है। और यदि यस का लोअर बाउंड मिल रहा है तो जो यह एलिमेंट हुआ ए एस का लोअर बाउंड और जो यह एस सेट है उसको हम बाउंडेड बिलो कहेंगे। तो यह लोअर बाउंड होगा और तब इफ एस हैज लोअर बाउंड, यदि यह एस लोअर बाउंड रखता है, इफ यस हैज लोअर बाउंड देन एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, अभी हमारा बाउंडेड बिलो कहलाएगा। तो दो चीजें हमने समझा, एक सेट लिया दूसरा उसका सबसेट लिया। तो यक्स का कोई एलिमेंट जो उसका सबसेट यस है उसका लोअर बाउंड तब कहलाएगा जबकि यस के किसी एलिमेंट से वो ग्रेटर ना हो, यानी वो लेस आर इक्वल हो, तभी वो हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा। और जिस सेट का वो लोअर बाउंड है, तो यानी इस यस का लोअर बाउंड यदि एग्जिस्ट कर रहा है, मिल रहा है, तब यह यस जो होगा वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। और ये दो चीज़ें हमने जाना। अब एक चीज और इसमें जाननी है कि यदि कोई एक सेट है जैसे यह यस है, इसके एक से अधिक लोअर बाउंड है, तो जितने लोअर बाउंड हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम कहते हैं। ये दो चीज़ें। तो एक सेट लिया उसका एक सबसेट लिया, तो सेट का कोई एलिमेंट जो सबसेट के प्रत्येक एलिमेंट से लेस आर इक्वल हो वो उसका लोअर बाउंड कहलाएगा। और यदि उस सबसेट का लोअर बाउंड मिल रहा है तो जो सबसेट होगा वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। और यदि किसी सबसेट के लोअर बाउंड एक से अधिक मिल रहे हैं तो उन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम कहलाता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहां जाना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आर इनफिमम, इसको समझ में, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आर इनफिमम, दोनों में कोई आप नाम यूज कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कह सकते हैं और उसी को इनफिमम भी कह सकते हैं।
अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सिंपली मीनिंग तो आप समझ गए कि यदि यक्ष हमारा कोई सेट है और यश उसका सबसेट है, तो यश के जितने लोअर बाउंड होंगे उन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम है। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब इसको कोई एक एलिमेंट है जो यक्ष सेट है उसका कोई एक एलिमेंट, उसका नाम यदि हमने दे दिया एल, तो वह एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो कैपिटल एक्स है जो बड़ा सेट है उस सेट का कोई एक एलिमेंट, सपोज कर लो कि उसको हमने एल कह दिया, तो एल जो है वो जो सेट यस है ये उस एस का वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब वो क्या है कि एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू एक्स, जो लोअर बाउंड हो उसी में जो बड़ा होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, और लोअर बाउंड हमेशा बड़े वाले सेट का एलिमेंट होता है। तो यह एक्स का कोई एक एलिमेंट यल है, एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट, इसको शॉर्ट में जी एल बी ऐसा हम लिखते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसी को हम इनफिमम को शॉर्ट में आई एन एफ ऐसा लिखते हैं। तो एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, जो आपका सेट यस है उस यस का ये यक्स का यह एलिमेंट एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम तब कहा जाएगा जब यह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एन एलिमेंट यल बिलोंग्स टू कैपिटल यक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आर इन्फिमम ऑफ एस इफ अब ये दो कंडीशन, पहला एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस, यानी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है कि जितने उस सेट के लोअर बाउंड हैं उनमें जो बड़ा हो, तो हमारा यल जो हो वो पहला कंडीशन की वो स्वयं लोअर बाउंड, तो पहला कंडीशन किया एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, यानी ये पहला कंडीशन एल जो है वो यस का लोअर बाउंड हो, और दूसरा कंडीशन है इफ एल डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस देन एल डैश लेस आर इक्वल टू एल। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान दें कि हमारा यह एक्स, अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्स को हम लोगों ने होल सेट लिया था और एस उस एक्स का सबसेट लिया था, तो जो एक्स का एलिमेंट यह एल है ए कंप्लीट आपने एक्स यह एक्स सेट लिया था, और एस जो था वो इसी का एक सबसेट लिया गया था, इसी का यानी इसी के कुछ एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो जो यह यक्ष है इस यक्ष का कोई एक एलिमेंट ले ले एल, तो यह यल जो होगा वो इस एस का एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जब यह दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, पहला कि यह यल स्वयं एस का लोअर बाउंड हो, पहला कंडीशन कि यह लोअर बाउंड हो, तो वही लिखा गया कि यह यल जो है वो यस का लोअर बाउंड हो, यानी यह यल एस का लोअर बाउंड कब होगा जब इसमें जितने एलिमेंट हैं प्रत्येक के वो एल जो हो वो लेस हो या इक्वल किसी एलिमेंट से ग्रेटर हो, तो हमारा यह एल जो हो वो यस का लोअर बाउंड पहला कंडीशन। और दूसरा यदि इस यस का दूसरा कोई लोअर बाउंड जैसे सपोज करो उसको यल डैश का,
तो यह यल डैश इस यस का दूसरा लोअर बाउंड है, तो वो लोअर बाउंड जिसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह रहे हैं उससे या तो छोटा हो या इसके इक्वल हो, इससे ग्रेटर न हो, क्योंकि जब इसका कोई लोअर बाउंड इससे ग्रेटर हो जाएगा तब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तब तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब जैसे अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था उसमें x की जगह हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया था और इसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के और ये इनफाइनाइट तक ये हमारा सेट लिया गया था अभी अभी जो एग्जाम्पल में, और इसका जो s था वो हम लोगों ने लिया था 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमने लिया था इसका सबसेट। तो S का जो लोअर बाउंड हुआ था यानी यह लोअर बाउंड, वो लोअर बाउंड में यह 1 हुआ था क्योंकि 1 इसके किसी एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है यानी इसमें सारे एलिमेंट से छोटा है, तो या तो छोटा रहे या इक्वल रहे, दो ही कंडीशन, तो 1 इसका लोअर बाउंड हुआ था। यह 2 भी लोअर बाउंड हुआ था, 3 लोअर बाउंड हुआ था और 4 भी लोअर बाउंड, इसलिए कि 4 ऐसा एलिमेंट है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जिससे ये ग्रेटर, तो ये इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, तो लोअर बाउंड होगा, ग्रेटर हो जाएगा तब लोअर बाउंड नहीं, तो यानी यह 4 ये हमारा इसका लोअर बाउंड हुआ था। तो अब इस लोअर बाउंड में ऐसे देख करके हमने समझ लिया कि यह 4 हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, 1, 2, 3, 4 में सबसे बड़ा 4 है तो ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। लेकिन जो डिफिनीशन दी गई है उससे आप देखो कि यह 4 इस यस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होगा जब हमारा ये स्वयं लोअर बाउंड हो, तो इसका एस जो है वो 4 लोअर यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये हमारा आ गया यह 4 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 4। अब यह 4 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ तो जो दो कंडीशन है देखो उसको सेटिस्फाई करेगा, पहला कि यह 4 स्वयं लोअर बाउंड हो, तो यह 4 हमारा स्वयं लोअर बाउंड है। अब इसका दूसरा कोई लोअर बाउंड लो तो वह लोअर बाउंड इस 4 से ग्रेटर ना हो, तो यदि इसका ये लोअर बाउंड 1 है तो 1 इससे ग्रेटर नहीं है, लेस 2 है, लेस है 3 है, लेस है, और जो ये 4 है इस 4 के इक्वल है, इसलिए जितने लोअर बाउंड है वो लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा कि इस लोअर बाउंड में जितने है या तो इससे छोटा रहे नहीं तो उसके इक्वल, यानी उससे बड़ा कोई हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता। अब आप देखिए ये जो एलिमेंट है तो जो ये 4 ये 5 है तो 5 हमारा 4 से ग्रेटर है, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने 5 को हम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 5 हमारा लोअर बाउंड नहीं, ये एलिमेंट जैसे 4 जो हुआ वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेकिन ये 5, 6 या आगे के एलिमेंट इस ये तो सब इससे बड़े हैं लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये नहीं कहा जा रहा है। कारण क्या है कि ये स्वयं में जो ये कंडीशन है कि वो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना है वो पहले स्वयं में लोअर बाउंड होना चाहिए, तो ये जो 5 है वो लोअर बाउंड नहीं है, इससे बड़ा तो है लेकिन लोअर बाउंड नहीं है, 6 बड़ा है लेकिन लोअर बाउंड नहीं है, इसलिए कोई भी ये जो बड़ा वाला सेट है इस सेट का कोई एलिमेंट ये जो सबसेट है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब कहा जाएगा कि यह स्वयं में लोअर बाउंड हो और इस यस का और जितने लोअर बाउंड हैं वो सब इस यस से छोटे हों या तो इसके इक्वल हो जाए, यदि दो कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर लेगा तब हम यल को कहेंगे यह एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो तीन चीजें आप लोगों ने यहां समझा है, पहला कि आपने कोई एक सेट लिया उसका एक सबसेट लिया तो सेट का कोई एलिमेंट जो सबसेट है उसका लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जबकि वो एलिमेंट यस में जितने एलिमेंट हैं उसमें किसी से बड़ा ना हो, यानी वो एलिमेंट एस के प्रत्येक एलिमेंट से लेस हो या इक्वल हो, ये पहला कंडीशन जब ये सेटिस्फाई कर लेगा एक्स का जो एलिमेंट वही इस यस का लोअर बाउंड कहलाएगा, जैसे यहाँ है ए एक्स है इसमें ये जो एलिमेंट है वो इसके किसी एलिमेंट से ग्रेटर रह गया यानी प्रत्येक एलिमेंट से लेस आर इक्वल ही है तब ये हमारा इसका लोअर बाउंड हो गया।
तो पहला x का कोई एलिमेंट s का लोअर बाउंड तब होगा जब s में जितने एलिमेंट हैं प्रत्येक से वो लेस आर इक्वल हो, तो लोअर बाउंड आपने समझा। दूसरा, यदि कोई एक सेट है और उस सेट के लोअर बाउंड एक या एक से अधिक मिलते हैं, यानी लोअर बाउंड मिलता है, तो जो यह सेट है वो सेट बाउंडेड बिलो कहलाएगा। और यदि किसी सेट में एक से अधिक लोअर बाउंड है तो जो उसमें सबसे बड़ा होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने के लिए दो चीज़ें चाहिए कि एक तो स्वयं वो लोअर बाउंड हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में देख रहा है जो लोअर बाउंड नहीं है वो उससे बड़े हो सकते हैं लेकिन वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकते। तो इसलिए जो हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए पहला कंडीशन कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो वो स्वयं में इस यस का पहले लोअर बाउंड हो, और यदि इस सेट के अन्य जितने भी लोअर बाउंड हैं वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से लेस या इक्वल हो, इससे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा कोई उसमें लोअर बाउंड ना हो, और जो उससे बड़ा हो वो लोअर बाउंड ना हो, लोअर बाउंड सबसे बड़ा यही हो जाए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तब हम इस फोर को कहेंगे कि ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इस तरह से ये कंप्लीट आप लोगों ने कोई एक एलिमेंट किसी सेट का लोअर बाउंड कब होगा, और यदि कोई एक सेट है उसका लोअर बाउंड मिल गया तो हम उसी सेट को बाउंडेड बिलो कहेंगे, और यदि कोई एक सेट है उसका कोई लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है तो वो हमारा बाउंडेड बिलो नहीं कहा जाएगा। अब यदि कोई एक सेट है उसके एक से अधिक लोअर बाउंड मिल रहे हैं तब वो हमारा उसमें जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम कहलाएगा। तो कोई एलिमेंट वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसी सेट का तब कहा जाएगा जब वो पहले स्वयं लोअर बाउंड हो और उस सेट के दूसरे अन्य जितने लोअर बाउंड हैं वो सब उस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से लेस हो या अधिकतम इक्वल हो, उससे बड़ा ना हो। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझा। जो ये हम लोगों ने लोअर के लिए समझा है सेम यही तीन चीज हमको अपर बाउंड के लिए समझना है, तो उसको भी आप देखें। अपर बाउंड, अभी हम लोगों ने लोअर बाउंड समझा, अब अपर बाउंड। तो अपर बाउंड को भी समझने के लिए जैसे लोअर बाउंड समझा हो वो बहुत इजीली उसको समझ में, एक एग्जांपल हम पहले बता देते हैं तब उससे जनरल हम जो डेफिनेशन है उसको देंगे। जैसे हमने क्या किया कि जो एक्स की जगह जो हमने नेचुरल नंबर एन लिया था उसी को उसी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लोअर बाउंड या बाउंडेड अबव, इसका क्या मीनिंग है उसको एक बार देखें। तो एन में हमने लिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये हमने होल सेट एक्स लिया था और इसी का एक सबसेट यस लिया था जिसके एलिमेंट हम लोगों ने 4, 5, 6, 7 और 8 ये लिया था। अब लोअर बाउंड को जैसे समझे हैं वैसे अपर बाउंड को समझेंगे। अपर बाउंड में क्या है कि इस सेट यानी जो आपका सेट यक्स है उसका वह एलिमेंट जो इसके प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल या ग्रेटर हो। लोअर बाउंड के लिए हम क्या देखते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं किसी एलिमेंट से वो एलिमेंट बड़ा ना हो, और इसमें देखेंगे कि इस सेट का वह एलिमेंट जो इसके किसी एलिमेंट से छोटा ना हो तो वो हमारा अपर बाउंड कहलाएगा। तो अब जैसे देखो इसमें यह 8 है, ये 8, तो 8 में यह 8 इसका अपर बाउंड कहलाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो 8 से ग्रेटर। ये 9, इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस एलिमेंट से ग्रेटर हो, यानी ये 7 अपर बाउंड नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे यस में एक एलिमेंट 8 आपको मिल गया जो इस एलिमेंट से बड़ा या नहीं, तो यदि इसका कोई एलिमेंट ले और उससे बड़ा इसमें कोई एलिमेंट मिल जाएगा तो वो अपर बाउंड नहीं।
इसका मतलब एट से छोटे जितने एलिमेंट हैं वो हमारा कोई एस का अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि एट से छोटा लोगे सेवन तो इससे ग्रेटर एक एट मिल गया, सिक्स लिया तो सेवन भी इससे ग्रेटर हो गया, एट भी ग्रेटर हो गया। इट मीन्स एट से नीचे के जितने एलिमेंट हैं उन सब में एक यस में एट बड़ा मिल जा रहा है, इसलिए लोअर बाउंड नहीं। यानी इस सेट का वो एलिमेंट जो इसके किसी एलिमेंट से वो इसका कोई एलिमेंट उससे बड़ा न हो, इसका उस एलिमेंट को चूज करना है जिस इसका एलिमेंट लेना है, इसका वो एलिमेंट जिससे बड़ा इसमें एक भी एलिमेंट ना वो इक्वल हो या ग्रेटर, तब हम देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू है यह एट, तो एट लेंगे तो एट के लिए इस सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे ग्रेटर है, इक्वल हो सकता है लेस हो सकता है। तो अब इस तरह से ये वैल्यू जो एट आया वो हमारा अपर बाउंड होगा। अब इसका नाइन लोगे तो नाइन भी ऐसा एलिमेंट है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया जो इससे इसमें बड़ा हो, यानी इसका वो एलिमेंट जिससे इसका एक भी एलिमेंट बड़ा ना हो तो वो अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है बात। तो अब यह एट एट भी आ जाएगा क्योंकि इस एट के लिए इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है जो एलिमेंट इससे बड़ा हो जाए, इक्वल हो सकता है, तो यह एट आपका अपर बाउंड होगा, यह नाइन अपर बाउंड होगा, यानी इससे ग्रेटर जितने एलिमेंट हैं वो सभी अपर बाउंड। तो यहां से ये जो अपर बाउंड हुआ, अपर बाउंड वो आपका एट हुआ, नाइन हुआ, टेन हुआ, उससे ऊपर के सभी एलिमेंट। ठीक है, ये यानी सिंपली तुम ये समझ लो कि जो ये सेट है इस सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उस एलिमेंट और उससे नीचे के जितने हैं वो सब लोअर बाउंड, और इसमें जो सबसे बड़ा है वो और उससे ऊपर के सारे एलिमेंट अपर बाउंड। सिंपली ये चीज समझने के, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा ये सब अपर बाउंड हो गया। तो यदि कोई एक हमारा सबसेट यस है उसका यदि अपर बाउंड मिल गया तब ये जो सेट होगा वो बाउंडेड एबव कहलाएगा, जब इस सेट का लोअर बाउंड मिलेगा तब ये सेट बाउंडेड बिलो कहलाएगा, और जब इसका अपर बाउंड मिलेगा तब ये सेट हमारा बाउंडेड एबव कहलाएगा। ठीक है, ये तो जैसे वहां तीन चीजें आपने समझा, लोअर बाउंड सेट जो हुआ वो बाउंडेड भी लो, और यदि एक से अधिक लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक वही तीन चीज यहां समझना है, इस सेट के अपर बाउंड, और यदि इस सेट का अपर बाउंड मिल गया तब तो वो सेट बाउंडेड एबव कहलाएगा, और यदि अपर बाउंड में कोई है तो जो सबसे छोटा होगा वही हमारा लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, या उसको सुप्रीमम भी कहते हैं, जैसे उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीम, वैसे इसका ये लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऐसा हम कहेंगे। तो इस तरह से तीन चीजें यहां आपने समझा। तो क्या हुआ कि यदि हमारा कोई एक सेट, अब जनरल डिफिनेशन के रूप में समझोगे तो कोई एक सेट हमने एक्स ले लिया, इस एक्स के जितने भी एलिमेंट है, या तो पर्टिकुलर एक केस लिया था समझाने के, यहाँ एक्स ले लिया कोई एक सेट आ गया, अब इसी के कुछ एलिमेंट का एक सबसेट हमने यह एस ले लिया, तो यानी यह एस इसी के कुछ एलिमेंट का कलेक्शन हमने ले लिया एस का, तो ये एक्स के वे एलिमेंट जो इसमें सबसे बड़ा है वो या उससे ग्रेटर जितने एलिमेंट हैं वो सब इसके अपर बाउंड का लाए, या दूसरे वर्ड में कि ये जो यह एक्स है इस एक्स का कोई एलिमेंट, जैसे यह एक्स है इस एक्स का वो एलिमेंट जो इसके प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल या ग्रेटर हो तो वो अपर बाउंड होगा। तो यह एक इसके प्रत्येक कोई एलिमेंट ले लो इससे या तो यह ग्रेटर है और नहीं तो जो सबसे बड़ा है उसके इक्वल है,
तो वो ऊपर बंद हो गया। अब यू आर नाइन है, इसमें कोई जितने भी एलिमेंट हो सारे एलिमेंट से यू आर ग्रेटर है। तो इस सेट का वो एलिमेंट जो इसके सभी एलिमेंट से ग्रेटर हो या इक्वल हो वो सब इसके अपर बाउंड कहलाएंगे। और जब वो अपर बाउंड इस सेट का मिल जाएगा तो जो सेट होगा वो बाउंडेड एबव कहलाएगा। और यदि बहुत सारे अपर बाउंड मिल गए तो जो सबसे छोटा होगा वो लिस्ट अपर बाउंड या इस सेट का सुप्रीमम कहलाएगा। तो यही चीज हो गया। तो यह एक्स हमने कोई एक सेट लिया, यस उसका सबसेट लिया, तो इस यक्ष का या जो यक्ष है इसका कोई एक एलिमेंट बी यानी या जो बी है एक्स का वो हमारा बी बिलोंग टू एक्स इज सेड टू बी अपर बाउंड ऑफ एस इफ इट सटिस्फाई यानी यह जो एलिमेंट है अपर बाउंड तब होगा यह एस में जितने एलिमेंट हैं उन प्रत्येक एलिमेंट से ये एलिमेंट बड़ा हो या अधिकतम इक्वल हो। तो यह फॉर आल एक्स बिलोंग टू एस ऐसा है। तो एक लोअर का समझोगे वैसा ही अपर का हो गया। अब यह जो एस है यदि उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड मिल गया तो जो यस होगा वो यस क्या कहलाएगा बाउंडेड है एस बाउंडेड है। तो ये अपर बाउंड का हो गया, ये हमने डिफिनेशन दिया। अब यहां से अब हम लोग को ये समझना है कि इफ एस हैज ए एन अपर बाउंड देन एस इज कॉल्ड बाउंडेड एबव तब जो हमारा ठीक पैटर्न की है लोअर बाउंड का अपर बाउंड का तो हमारा इसमें वो जो सबसे छोटा उससे छोटे एलिमेंट लोअर बाउंड आते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा है वो और उससे ऊपर के जो एलिमेंट आते हैं वो अपर बाउंड होते हैं। तो इस तरह से हमारा यह यस हैज एन अपर बाउंड यदि एस का अपर बाउंड मिल रहा है तो यस को हम बाउंडेड एबव कहेंगे, लोअर बाउंड मिलेगा तो बाउंडेड बिलो कहेंगे। और उस सेट के दोनों ही हो सकते हैं लोअर बाउंड भी हो सकता है अपर बाउंड जैसे इसी में दोनों मिला। अब ये चीज अब इसमें एक चीज और आपको जानना शेष रह गया कि लिस्ट अपर बाउंड तो जब लिस्ट अपर बाउंड में सिंपल सा समझने का यह है कि जितने अपर बाउंड उसके हैं उनमें जो सबसे छोटा है वो हमारा लिस्ट अपर बाउंड है। तो अब कोई एलिमेंट यानी यह एक्स का कोई एलिमेंट यस का लिस्ट अपर बाउंड तब कहेगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला तो स्वयं अपर बाउंड हो। अब देखो यहाँ लिस्ट अपर बाउंड का यहाँ अपर बाउंड हुआ इसका लिस्ट अपर बाउंड 8 है, इस 8 से भी छोटा ये 7 है लेकिन ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि ये स्वयं अपर बाउंड नहीं। तो कोई एलिमेंट लिस्ट अपर बाउंड यह हमारा लिस्ट अपर बाउंड तब कहा जाएगा जब यह स्वयं अपर बाउंड और इसमें जितने अपर बाउंड हैं उसमें ये एलिमेंट सबसे छोटा हो या इसमें जो सबसे छोटा है उसके इक्वल हो यानी इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। ये 9 हमारा लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा क्योंकि 9 अपर बाउंड तो है लेकिन उससे छोटा एक हमको अपर बाउंड और मिल रहा है इसलिए हमारा लिस्ट अपर बाउंड नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट हमारा लिस्ट अपर बाउंड तब होगा जब पहला कंडीशन है कि स्वयं में एक अपर बाउंड हो और दूसरा उसके अन्य कोई अपर बाउंड है तो वो अपर बाउंड जो लिस्ट अपर बाउंड है उसके इक्वल या ग्रेटर हो जाए। तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। लिस्ट अपर बाउंड
ऑयल एलिमेंट यू। देखो लोअर लिस्ट जब हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करना हुआ तब जो लोग उसका नोटेशन लिए थे एल, यानी लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट करना था, लोअर बाउंड का करना था तो उसको हमने एल से डिनोट किया। अब लिस्ट अपर बाउंड करना है तो अपर बाउंड का करना है, इसलिए उसको यू से डिनोट करें। नोटेशन कोई कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप बुक जब चेंज करोगे तो सारे नोटेशन बदले हुए लगेंगे, लेकिन जो थीम है वो बुक कोई भी रहे वो बदलने वाला नहीं है। तो हमको इसमें रियल एनालिसिस हुआ चाहे हमारा अलजबरा हुआ, ये सब जो कॉन्सेप्ट वाले हैं उसमें थीम को हमको समझना है। अब जब नोटेशन को पकड़ करके बैठेंगे, नोटेशन चेंज हो गया तो फिर हम हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, नाम तो हमको अपनी तरफ से जो चाहे वो दे सकते। तो एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एक्स, हमेशा अपर बाउंड या लिस्ट अपर बाउंड होल सेट का एलिमेंट होता है, वो सबसेट का नहीं होता है। तो हमारा एक्स का यह एलिमेंट एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एक्स इज सेट टू बी लिस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम। इसी को शार्ट में यस यू पी से डिनोट करते हैं, उसके पहले हम लोग आई एन एफ इनफीमम। तो ये हमारा आर है। तो एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू यक्स इज ए सेट टू बी लिस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम आर एस, या एस का लिस्ट अपर बाउंड। अभी यस का अपर बाउंड देखा गया था, अब यह हमारा लिस्ट अपर बाउंड कब होगा? तो एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एक्स इज ए सेट टू बी लिस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम ऑफ एस इफ, ये भी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। पहला, इफ यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, पहला तो यह एस का अपर बाउंड हो, और दूसरा है इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस देन यू इज लेस आर इक्वल टू यू डैश। एस यानी जो यह एक्स है, एक्स है इसी का एक सबसेट एस है, तो इस एक्स का कोई एक एलिमेंट यू इस यस का अपर बाउंड तब कहा जाएगा जब यह यू इस यस का स्वयं में अपर बाउंड हो, यानी यह एलिमेंट इसमें जितने एलिमेंट हैं सबसे ग्रेटर आर इक्वल हो तो ये हमारा अपर बाउंड हो। और यदि ये अपर बाउंड है उसमें कुछ और भी अपर बाउंड है तो अन्य कोई अपर बाउंड यदि यू डैश है तो यह यू डैश से यह यू लेस हो या अधिकतम यू डैश इसके इक्वल हो जाए, यानी इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं। तो ये आगे, अब जब यह दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तभी हम जो यह यू है उसको हम लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट, हम लोगों ने लोअर बाउंड को एलिमेंट किया है ये समझा, यदि किसी का लोअर बाउंड मिल गया तो सेट बाउंडेड बिलो कहलाएगा, एक से अधिक यदि लोअर बाउंड हैं तब हमारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाएगा, ये उसी को इनफीमम कहेंगे। ऐसे ही सेम पैटर्न पर कोई हमारा सेट है उसका कोई सबसेट है तो सबसेट में जो बड़ा एलिमेंट है वो और उससे बड़े जितने एलिमेंट हैं वो उसके अपर बाउंड होंगे, और यदि उस सबसेट का अपर बाउंड मिल रहा है तब वो सबसेट बाउंडेड एबव कहलाए, और यदि अपर बाउंड एक से अधिक है तो जो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड वो हमारा लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। यानी कोई एक सेट एक्स का कोई एक एलिमेंट यू जो इसका सबसेट यस है उसका लिस्ट अपर बाउंड तब कहा जाएगा जब हमारा यह यू स्वयं में एस का पहला लोअर बाउंड हो, और यदि इस यस के अन्य जो लोअर बाउंड है वो लोअर बाउंड यू के इक्वल या उससे ग्रेटर हो जाए, यानी लिस्ट अपर बाउंड से छोटा एलिमेंट
अपर बाउंड ना हो। तो ये हमारा यह एक डिफिनेशन रहा। अब एक एग्जांपल के बाद आज के लेक्चर को हम यहाँ ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल देते रहे जिससे इन सारी बातों को आप समझ। अब ये समझने के लिए जो भी चीजें हम लोगों ने किया है, हमने क्या किया, एक्स एक कोई एक सेट हमने ले लिया, सपोज कर लिया ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन से लेकर के और ये हम लोगों ने इनफाइनाइट तक यह एक सेट ले लिया। अब इस सेट का कोई एक हमने सबसेट ले लिया, तो वो सबसेट को हमने ले लिया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसा हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है कि इस एस का लोअर बाउंड देखना है। तो वैसे देखने के लिए तो आप क्या कर लो कि जो ये सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो और उससे नीचे के जितने एलिमेंट हैं सब इस सेट के लोअर बाउंड हो, यानी कोई एलिमेंट लोअर बाउंड को, ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली ऐसे देख लिया लेकिन डिफिनेशन के रूप में कि इस सेट का जो लोअर बाउंड होता है हमेशा बड़े वाले सेट का होता है और जो सबसेट होता है एलिमेंट होता है बड़े वाले सेट का, और जो जिसका लोअर बाउंड होगा जो सबसेट दिया गया है उसका, यानी यह वन एस का लोअर बाउंड तभी होगा जब इसमें जितने एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट से वन या तो छोटा हो या इक्वल हो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितना भी एलिमेंट है थ्री से ये लेस है, लेस इक्वल में एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये जो टू है इसमें जितने एलिमेंट है सबसे ये छोटा है इसलिए लोअर बाउंड होगा, ये थ्री है इसमें जितने एलिमेंट है तो इन सबसे छोटा है लेकिन इसके ये इक्वल है, तो इक्वल या लेस है तो इस सेट का वही एलिमेंट जो इसके प्रत्येक एलिमेंट से छोटा या इक्वल होगा वो इसका लोअर बाउंड कहलाएगा। तो यानी इसका यह लोअर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड यह वन टू थ्री ये हो गया, तो लोअर बाउंड निकालना आसान हो गया। अब आप क्या करोगे कि ये लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा हुआ वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये हो गया, तो इसमें हमारा वन टू थ्री में थ्री सबसे बड़ा है तो ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। अब आप देखोगे कि यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तभी होगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो कर रहा है कि नहीं, तो पहला तो स्वयं लोअर बाउंड हो, तो देख रहे हो कि यह लोअर बाउंड है, इससे बड़ा आपका फोर है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इससे ये ग्रेटर है लेकिन ये लोअर बाउंड नहीं है, इसलिए ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं आएगा, इससे जितने हैं सब बड़े हैं लेकिन ये सब लोअर बाउंड नहीं है इसलिए वो नहीं होंगे। तो इस तरह से ये हमारा थ्री स्वयं में लोअर बाउंड है और इसमें जितने लोअर बाउंड हैं ये वन इससे छोटा है, टू इससे छोटा है, थ्री इसके इक्वल है, तो अन्य जो लोअर बाउंड हो वो इससे लेस हो या इक्वल हो तब हम कहेंगे कि ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ये बात। अब यदि यस का लोअर बाउंड मिल गया तो यह जो एलिमेंट हुआ वन वो तो यस का लोअर बाउंड कहलाया, यह टू एस का लोअर बाउंड कहलाया, थ्री एस का लोअर बाउंड कहलाएगा, लेकिन यस जो है यदि उसका लोअर बाउंडेड मिल गया तो यस बाउंडेड बिलो कहलाएगा, ठीक है। लोअर बाउंड मिला उस सेट का लोअर बाउंड मिला तो सेट बाउंडेड बिलो, और अपर बाउंड मिला तो बाउंडेड है, तो वो सेट है और जो एलिमेंट है वो एलिमेंट तो लोअर बाउंड या अपर बाउंड होगा, और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा हुआ वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड में जो सबसे छोटा हुआ वो हमारा लिस्ट अपर बाउंड। तो इस तरह से ये हो गया। तो एस जो हुआ एस इज बाउंडेड बिलो, ये हमारा बाउंडेड बिलो क्यों हो गया, क्योंकि इसका लोअर बाउंड मिल रहा है। फिर ये दूसरा देखो, तो इसमें जितने एलिमेंट हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वो और उसके ऊपर के सब अपर बाउंड है, तो ये हमारा अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ एस ये हो गया आपका, यहाँ से सेवन हुआ, एट हुआ, नाइन हुआ एंड सो ऑन, आगे के सारे एलिमेंट
क्योंकि यह ही एलिमेंट यानी इस बड़े वाले सेट का यह ही एलिमेंट इसका अपर बाउंड तभी कहलाएगा जब इसमें वो इसके जितने एलिमेंट हैं वो प्रत्येक एलिमेंट से या तो ये बड़ा रहे और नहीं तो इक्वल। तो ये 3, 4, 5, 6 इससे ये बड़ा है लेकिन जो 7 है उसके इक्वल आगे तभी हमारा अपर बाउंड है। यह ये इसमें जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट से ये बड़ा है इसलिए अपर बाउंड। तो यानी इस सेट का वह एलिमेंट जो इसके प्रत्येक एलिमेंट से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो वो हमारा अपर बाउंड होगा। तो ये अपर बाउंड हो गया। अब जितने अपर बाउंड हैं उनमें सबसे जो छोटा अपर बाउंड होगा वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड। तो ये हमारा आ गया लीस्ट अपर बाउंड या 7 लीस्ट अपर बाउंड है। अब यह 7 लिस्ट अपर बाउंड है तो देखें कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए पहला ये है कि यह स्वयं में अपर बाउंड हो तो यह अपर बाउंड है और इसमें अन्य कोई अपर बाउंड यदि इसका है तो वो अपर बाउंड इसके इक्वल हो या ग्रेटर ये सबसे इस मान लो। तो इसका अन्य कोई अपर बाउंड लो तो वो इससे बड़ा हो यानी सबसे छोटा है। तो 7 लिए तो इसके इक्वल हो गया लेकिन 8 लिया तो यह 8 इससे जो लिस्ट अपर बाउंड है उससे बड़ा हो गया। ये 9 उससे बड़ा हो गया तो ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड हो गया। और जब यह यस का अपर बाउंड मिल रहा है तब यस क्या कहा जाएगा बाउंडेड। तो यह एस इज बाउंडेड एबव ये बाउंडेड एबव हो गया। और यदि कोई सेट है यदि उसका लोअर बाउंड मिला यानी वो बाउंडेड बिलो भी हुआ और उसका अपर बाउंड मिला यानी बाउंडेड एबव भी हुआ तो वो सेट हमारा बाउंडेड कहलाएगा। यानी कोई सेट बाउंडेड कब हुआ कि उसका लोअर बाउंड भी मिले अपर बाउंड भी मिले केवल एक मिलता है तब वो बाउंडेड नहीं। तो यानी कोई भी सेट बाउंडेड तब कहा जाएगा जब उसका लोअर बाउंड मिले और अपर बाउंड मिले या उसी को दूसरे वर्ड में यदि यस बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों ही है तब हम उस यस को कहेंगे कि यह यस हमारा बाउंडेड है। तो इस तरह से कुछ बेसिक डिफिनेशन आपको दी गई और इसको थोड़ा सा एक बार सीरियसली आज का वर्क आज ही आप समझ लेंगे और फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आगे आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि उसका लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे अपर बाउंड कैसे निकालेंगे और कब सेट हमारा बाउंडेड है या नहीं है उसका सुप्रीमम मिला कि नहीं मिला। तो ये सारे वर्क कल हम लोग करेंगे उसके बाद से फिर कुछ थ्योरम्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इतने का एक बार सीरियसली आप लोग देख लें।